पाकिस्तान में कराची ऐसी स्टेट है यहाँ पे गलियाँ महल्ले तो खैर गैर महफूज हैं, घरों के आंगन जो है वो भी गैर महफूज है, घरों के अंदर गोलियाँ, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ये घर के अंदर का सीन दिखा रहा हूँ आपको मैं, बुलेट्स अंदर तक है, किसी को भी लग सकती है, घर में बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं जिनका कोई ताल्लुक किसी क्राइम या किसी पार्टी से नहीं होता। ये अगर आप कैमरे की नज़र से दिखा सकें, ये कमरा है, कमरे के अंदर छिदी हुई दीवारें हैं जहाँ पे आज थोड़ी देर पहले जो है फायरिंग हुई होकर हटी है, जहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, ये देखें आप, हट जाइए बैठ जाइए, ये कितना बड़ा सुराख है, यहाँ से गोलियाँ निकलती हैं, बाहर से अंदर आती हैं, आम इंसान आम लोग यहाँ पे बसते हैं। आप इमेजिन करें इंटेंसिटी के, लोग अपने घरों में महफूज नहीं है कराची के अंदर। लहरी कोपर का मंजर है, ये जगह सबसे ज़्यादा डेंजरस है इस वक्त, जहाँ से आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। इसके बिल्डिंग के पीछे कुछ पता नहीं है कि अभी तो हमारा कैमरा चल रहा है तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इन्हीं बिल्डिंग्स के पीछे मोर्चे बने होते हैं जहाँ से अब से कुछ देर पहले फायरिंग होके हटी है। खिचीज एक तरफ है, बलोच एक तरफ है, और इनकी आपस की लड़ाई जो है उसने पूरे कराची को हरासा किया हुआ है। ये जब सामने से फायरिंग होती है तो ये आम घर की छतें जो है, यहाँ पे कोई गैंगस्टर नहीं रहते, आम लोग रहते हैं, बाहर से फायरिंग होती है और आम लोग निशाना बनते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। ये आप देखें, यहाँ से फायरिंग अभी भी हो सकती है, अब से कुछ देर पहले वो गेटी है और आगे भी आप देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो, मैं हूँ कामरान शाहिद, आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त मुक्का चौक, कराची का सबसे बड़ा सिंबल है मोथेदा कौमी मूवमेंट का, आप देख सकते हैं अल्ताफ हुसैन साहब के पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं। आज कराची में आने का मकसद ये है कि आपको ये बताना कि रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद कराची में किस हद तक पीस और अमन आया है। हमने देखा कि कराची से पहले जब हम रिपोर्ट करते रहे, ख्वाह वो कटी पहाड़ी हो, ख्वाह वो कस्बा कॉलोनी हो, ख्वाह वो रंगी टाउन हो, कुरंगी का एरिया हो, यहाँ पे लिसारियत की बुनियाद पर लोग मरे हैं, भत्ते के नाम पर ताजर लुटे हैं। रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद क्या बदलाव है, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ कराची की पख्तून उर्दू स्पीकिंग ये क्या सोचते हैं इस तमाम मामले के बारे में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और क्या रेंजर्स का ऑपरेशन ही वाइड सोल्यूशन है इस तमाम मामले का। सबसे पहले आपको मैं लेकर चल रहा हूँ इस वक्त 90 की तरफ। ये मुक्का चौक से जब हम पहले ऑपरेशन से पहले ये जगह बैरियर्स लगी होती थी, यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उनका पूरा होल्ड हुआ करता था, ये जगह बैरियर से ब्लॉक हुआ करती थी, यहाँ पर आप कैमरा समेत बगैर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इजाज़त के या उनको इंटीमेट किए बगैर आ नहीं सकते थे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरियर कोई नहीं है, ये जगह जो है वो फ्री जोन एरिया हो चुका है, यहाँ पर हमें और भी कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा जो आपको रोके। 90 काफ़ी अंदर जाके भी है, लेकिन ये एरिया इससे पहले रेंजर्स ऑपरेशन से पहले ब्लॉक हुआ करता था, और जब 90 पर पहली रेड पड़ी और 90 में दूसरी रेड पड़ी, तो पहली रेड जो पड़ी उसके बाद से ये सारी जगह जो थी उसको क्लियर कर दिया गया, और यही हुआ बिलावल हाउस के बाहर से भी, सारी रुकावटें हटा दी गई, यही हुआ बाकी और जगहों से भी, ख्वाह वो गवर्नर हाउस के बाहर हो, ख्वाह वो CM सिंध के घर के बाहर हो, तो इस तमाम एरिए को फ्री जोन करार दे दिया है। ये सबसे पहला इंडिकेटर मुझे यहाँ के नज़र आ रहा है रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद, कराची इज नाउ अ फ्री जोन एरिया, ख्वा वो 90 हो, ख्वा वो बुलावल हाउस हो, ख्वा वॉट एवर। आपको मेरा साथ रहेगा कराची के स्पेशल शो में, जानने की कोशिश करेंगे कि जो इत्तलात हमें मिलती है लाहौर में बैठकर कि ऑपरेशन सही जा रहा है या सही नहीं जा रहा, किस हद तक दुरुस्त है, हमारे साथ रहिए। 90 के एरिया में खड़े हुए हैं, यहाँ शॉपकीपर से जानने की कोशिश करते हैं ऑपरेशन के असरात। आप यहीं कारोबार करते हैं काफी अच्छे सर, ये बता दीजिए कि रेंजर ऑपरेशन के बाद अमन आया कराची में, अमन नहीं आया? कुछ बेहतर हुआ है, अमन तो आया है थोड़ा बहुत, लेकिन कारोबार की पोजीशन वही है जो पहले थी ना जी। वैसी की वैसी ही है। ये पहले नो गो एरिया हुआ करता, अब ये क्लियर हो गया सारा कराची फ्री हो गया। उस वक्त भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, जब ये ब्लॉक था जब भी कोई इतना अमन के हवाले से, तो खैर बहुत अच्छा था। आपको क्या लगता है रेंजर्स को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये तो सरकार, ये तो ऊपर वाले ही थे, बेहतर समझ सकते हैं। ये एरिया यहाँ पे पहले बैरियर्स लगा था जब भी मैं इधर आया, अब वो बैरियर्स ही लगा हुए, इसलिए मैं कह रहा हूं बैरियर जरूर लगे थे, लेकिन इलाके के लोगों की सेफ्टी थे, मैं यहाँ का रहायशी हूँ, ठीक है, वो इलाके के लोगों की सेफ्टी के लिए बैरियर्स थे, क्योंकि तालिबान थ्रेट, गैंगवार थ्रेट, इन थ्रेटों की वजह से लगाए गए थे, और यहाँ पे अक्सर मोबाइलें आती थी लेकिन वो देखती नहीं थी कि बाइक कब छिन गई, मोबाइल कब छिन गए, इलाके के लोगों ने डिमांड की। हाँ, इलाके के लोगों की डिमांड में लगे बैरियर। अब जो हट गए तो उससे क्या फर्क पड़ा आप लोगों की सिक्योरिटी में? उससे फर्क ये पड़ा है कि लोगों को शॉर्टकट्स मिल गए जाने के लिए। बाकी अभी ये बताइए कि ये रेंज का ऑपरेशन है, ये अमन लेके आया या अमन लेके नहीं आया? अमन के साथ लोगों की तकलीफें भी दूर करे, अमन तो आया, लेकिन जो बहुत सारी माएं रो रही है, बेवाएं रो रही है,
उनका भी अजाला होना चाहिए। रेंजर्स बिल्कुल रहे, अमन के लिए काम भी करे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। यहाँ पे जिस तरह से होता है या जिस तरह से गिरफ्तारियां होती हैं, अब अगर यहाँ से गिरफ्तार करने के बाद एक दूध वाले को गिरफ्तार करें आप इस बात पे कि वो यहाँ गली में खड़ा था और उसके ऊपर एवान बम आ जाए या उसके ऊपर कोई असला आ जाए, तो मैं एक आम आदमी हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो दूध वाला था और वो बेचारा यहाँ से बाइक पे निकलता था और उसको अचानक पकड़ लिया और मैं टीवी पे देख रहा हूँ कि जी उसके ऊपर तो असला डाला हुआ है। तो ये तकलीफ दे चीजें हैं। हो सकता है ये शिकायतें मुत्तहिदा को, लेकिन पीपल्स पार्टी को शिकायत होनी नहीं चाहिए। वो तो नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन में भरी हुई है, उसके ऊपर तो अभी हाथ ही डंडा डाला है, हाथ डलने से पहले शोर मच गया। हम उससे बेहतर आप ज्यादा जानते हो करप्शन की है। जब तो वजीर बल्दियात से वजीर दूसरे वजीर बना दिए शर्जील मेमन, अगर करप्ट लोगों को हटाना चाह रहे हैं तो क्यों दोबारा वजीर बना दिया उन्होंने? ठीक है, मेरे पापा हाशिम 5 महीने से लापता है, प्लीज उनको घर भिजवा दे मेरे पास। जी अल्ताफ हुसैन साहब का घर है 902 कहते हैं, उसके बाहर में खड़ा हूँ ऑब्वियसली, और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उनके क्या तासुरात हैं रेंजर्स के ऑपरेशन को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बता दीजिए क्या इशू है, आपको लगता है कि ये रेंजर्स का जो ऑपरेशन है कामयाबी जा रही है या आप विक्टिम है किसी भी लिहाज से इन तमाम मामलों की? देखिए रेंजर्स के ऑपरेशन को कामयाब उस वक्त कहा जाए जब ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टीज के लिए हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका टारगेट जो है वो खास तौर पर MQM उसके कारकुनान सुन्नी तहरीक और पीपल्स पार्टी पे भी हो रहा है। जी हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ मेरे पीछे इतनी ज्यादा खवातीन खड़ी हुई हैं, ये सब शोहदा की फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, कोई बेवा है, कोई बहन है, कोई माँ है, कसूर क्या है? मैं ये कहूँगी कि उर्दू बोलना अगर जुर्म है तो ये बात गलत है। उर्दू तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो उर्दू बोलना जुर्म है ना, सिर्फ महाजिर के साथ क्यों हो रहा है, MQM वालों के साथ क्यों हो रहा है, ये बताएं आप पहले। आंटी मैं भी, हमने करनाल से हिजरत की थी, हम तो पाकिस्तानी है, तो हम सभी पाकिस्तान, आप भी पाकिस्तानी, सब तो पाकिस्तानी है, लेकिन हम सब महाजिर है ना, जाहिर है इसी हमारे साथ क्यों हो रहा है? हम पहले पाकिस्तानी हैं, रेंजर्स वाले पकड़ के लेके जाते हैं, तशद्दुद करते हैं, उनको पुलिस मुकाबला दिखाते हैं और मार देते हैं, उनको कहते हैं ये पुलिस मुकाबला मार रही है। अमन काफी है, हो सकता है आप किसी से जाते हुए, नहीं देखे ना हम लोग के साथ तमाम जाते हैं, हम लोग के साथ है, आप देखे मीडिया पे देखे सिर्फ हम ही लोग को दिखाते, टारगेट हम ही लोग हैं, सब कुछ हम ही लोग हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, लफ्ज उर्दू बोलने वाले हैं। तासुब इस कदर तासुब है, आप देखें कि तासुब की यहाँ पे जास्ती इस कदर हो रही है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकती लफ्जों में, आप खुद देख रहे हैं क्या है। आंटी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, बलोचों के खिलाफ, लियारी में, हर जगह पे ऑपरेशन हो रहा है, ये सब दबा हुआ है जी। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ जुलूम तो सिर्फ हम लोगों पे हो रहा है ना, किसी पे थोड़ी हो रहा है जुलूम, ये मेरी गोद में इतनी छोटी सी बच्ची, इसका क्या कसूर है मुझे बताएंगे? मेरे बच्चे 5 बच्चे, पता इनका क्या कसूर है जो इनको बाप को शहीद कर दिया गया, मुझे इतना बता दे। आपके ख्याल में पाकिस्तानी फौज तो अपने लोगों को नहीं मार सकती ना, क्रिमिनल्स को ही मारेगी ना अगर मारेगी तो? आप आपकी क्या राय है इस बात? तो जायज भी तो नहीं कर रही है ना, नाजायज हो रहा है सब हमारे साथ, देख ले आप खुद देख ले, मुझे आप मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बता दे, मैं तो अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी इस वक्त, मेरे को बता दे इनका क्या मुस्तकबिल मैं बनाऊंगी। आपके खावन क्या करते थे? मेरे खावन उसका काम करते थे फर्नीचर का। अच्छा, और वो किस तरह, उनको क्या हुआ? उनके कारखाने पे आए और 2 लड़के आए और गोलियां मार के चले गए। वो 2 लड़के तो कोई भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं ना, ये तो मैं नहीं बोल सकती ना कौन है, हमारा कसूर तो बताए, पुलिस की भी ना मेरे हस्बैंड का कसूर बताए, क्या कसूर था, उन्होंने ऐसा क्या करा था जो इनके साथ इस तरीके से हुआ, मेरे बच्चों को क्या कसूर है मुझे इतना बता दे बस आप। ठीक है, आपने कभी MQM से पूछा, वैसे पीपल्स पार्टी के साथ ताकत में इकतदार में रहे इतना अरसा, तो यहाँ पे आप लोगों की जानो माल की हिफाजत क्यों नहीं कर सके 10 साल 15 साल? मुशर्रफ साहब के दौर में भी इकतदार में, मुशर्रफ साहब के दौर में भी इकतदार में रही MQM, पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस रहा MQM का, पुलिस आपकी है, अब अपोजिशन में जुलूम हो रहा है, जुलूम की खुद वो शिकार बनी हुई MQM। ठीक है, आपकी नजर में सही हो रहा है MQM के साथ? मैं तो आपकी राय लेने आया हूँ। 2 जुलाई को पकड़ा था मेरे भाई के घर के सामने से, और उनको सेक्टर नंबर 10 अलसदफ कॉलोनी से उठाया है। अच्छा, उठा लिया या कत्ल किया किसी ने? वहाँ से उठाया, उठा के उन्होंने किस थाने में नहीं गए हम, कहाँ है कहाँ नहीं है, सब थानों में गए, सब जगह गए, सबने मना कर दिया। एक दिन पहले हमारे आई थी, पूछताछ किया था, हम नहीं जानते वो क्यों आई थी। बोले कि आप उर्दू बोलते हो, हमने बोला हाँ उर्दू ही बोलते हैं, बोल उर्दू बोलने वाले हैं तो पकड़ो इनको, अगर पंजाबी बोलते हैं सिंधी बोलते हैं छोड़ दो, उनको छोड़ दिया, हमारे ऊपर कैसे जाते हैं। तो हम अब ये 3 बच्चे हैं, चौथा अल्लाह ताला ने देना है, अब बताओ इन बच्चों मासूम बच्चों का क्या हाँ? कसूर है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, इन्होंने क्या किया, इतनी इतनी जिल्लत से उसकी मौत था या मुजरिम था, उसको भी टाइम देते हैं। एक बोल लेना, वो गवाही तुम मोहल्ले से लोगे, कितने अच्छे थे वो,
मिलने वाले गवाही देंगे ना कितने अच्छे थे ये कुछ सादा लिबास में कोई आया कौन आया पुलिस वाले थे पुलिस वाले थे जी रेंजर्स का ऑपरेशन हो रहा है ये आपके ख्याल में अमन लाया या नहीं लाया अमन नहीं लाया ऐसा ऑपरेशन होता कि लोग सो रहे सीढ़ी लगाई और घरों में कूद गए ये ऑपरेशन होता उजाड़ रहे लेकिन अमन ने लेकर आया अच्छा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने लोगों के रहनुमाई करती है उनको गलत राय नहीं देती है मेरे शोहर को भी मारा गया मेरे बच्चे भी अमन लाया कि नहीं लाया आपके नजदीक नहीं लाया सुल्तान महमूद खान को 29 मार्च को रेंजर्स उठा के ले गए मारिया होम से 29 मार्च 2015 जी इसमें अब जो है मारिया होम शोर जी मारिया होम से उठा के ले गई उसका कसूर तो कोई हो बताए तो पेश तो करो ना अगर मुजरिम है मैं कह रही हूँ उसे सजा दो लेकिन जब मुजरिम नहीं उसे क्यों लापता रखा हुआ है कुछ तो बताओ ये दो बच्चों को मैं कहाँ लेके जाऊँ तो आपने पता नहीं किया जाके कहीं पुलिस से या किसी जा रहे कोर्ट जा रहे कोर्ट में सिर्फ जो ना दो दो हफ्ते का हमें टाइम दे दिया कोर्ट में इनको प्रोड्यूस किया अभी नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं बताया को लगता है लापता मेरा घर चलाना मुश्किल हो गया चार महीना तीन महीना तक एक 22 दिन हो चुका मेरा घर का बड़ा बेटा दो बच्चे मैं किसके हवाले करूँ उसके राइट ये करते क्या थे सेक्रेटरी नाजिम थे वैसे मेरा घर चलाना मुश्किल हो गया है भाई मैं किराए के घर में रहती हूँ बाप बूढ़ा है उसका रिटायर है बाप कोई भाई के गवर्नमेंट जॉब नहीं किस तरह से मैं इन बच्चों को लेके पालूं किस तरह से गुजारा करूं मेरे शोर 2 साल हो गए तकरीबन 2013 दो साल से अक्टूबर 13 से लेके गए रेंजर रेंजर लेके गई है आपको यकीन है आपके जो हस्बैंड है वो क्रिमिनल नहीं है नहीं क्रिमिनल नहीं है या किस तरह वो बस यहाँ से बिजनेस कर रहे थे श्रीलंका से यहाँ सामान भिजवाते थे यहाँ से बेडशीट और वो जींस वगैरह आपको भी यकीन आपका बेटा क्रिमिनल नहीं है बिल्कुल नहीं है कुछ भी नहीं है सियासत में नहीं है काफी अरसे से सियासत में है क्या मुहाजिर ना होना जुर्म है एमक्यूएम में नाम देना जुर्म है जो हमें नाम दिया वो मैं क्या कोर्ट में मेरा आया है तो वो उस पे क्यों नहीं अमल कर रहे पता क्यों नहीं कर रहे सर मेरे पापा 5 मई से उठे हुए रेंजर्स घर से लेके गई है मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है छोटे छोटे बच्चे हैं क्या करें हम अगर कोई जुर्म है तो पेश कर दो ना कोर्ट में हम अगर सजा देनी तो दो पर हमारे सामने तो लेके आओ हमारे सामने तो लेके आओ तो हमारे पापा है कैसे कहाँ है आपके पापा क्या करते थे मेरे पापा पीटी से जॉब करते थे पीटी से जॉब करते थे कुछ पता नहीं बिल्कुल भी कुछ तो पता करो कि हमें पता तो मेरे शोर न्यू कराची सेक्टर इंचार्ज अली रजा नाम है उनका कराची सेक्टर इंचार्ज किस चीज न्यू कराची सेक्टर इंचार्ज एमक्यूएम 19 मार्च को मेरे घर से सोते हुए उनको लेकर गए रेंजर्स तमाम रेंजर्स वालों ने गेट बजाया और ये कहा कि खोलें शनाख्ती कार्ड चेक करना है खाली और आने के बाद मेरे शोहर ने खुद अपने आप को उनके हवाले किया क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं थी सो रहे थे घर के अंदर हवाले किया शनाख्ती कार्ड लिया NIC नंबर और लेकर चले गए हैं उस दिन का दिन है आज का दिन है अभी तक कुछ नहीं पता मेरे ये 3 बच्चे हैं ये मेरे हस्बैंड हैं और 3 बच्चे मैं घर छोड़कर आई हूँ क्योंकि 6 बच्चों को लाना रिक्शे के अंदर और ले जाना आसान बात नहीं है आपको पता वो क्या करते रहे हैं जिंदगी में आपको सब पता है उनके बारे में जिंदगी में ये करते रहे कि अल्ताफ हुसैन को बहुत चाहे उस जिसकी सजा उन्हें मिल गई है और इन मासूम बच्चों को भी मिल रही है और हम अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत करते रहेंगे लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब तो खुद कहते हैं कि पार्टी में कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं उनको निकालना चाहिए अगर, तो अगर आपको किस तरह पता आपके हस्बैंड अगर क्रिमिनल होते तो MQM कभी भी उन्हें ऑन नहीं करती जितने भी क्रिमिनल रहे हैं तो MQM ने उन्हें ऑन नहीं किया उन्हें डिसऑन किया है लेकिन मेरे शोहर को MQM ने ऑन किया है इसका मतलब है मेरे शोहर क्रिमिनल नहीं थे आपको यकीन है मुझे यकीन है मेरे शोहर को 27 फरवरी को घर के पास से ही लेके गए मेरी आंखों के सामने 27 फरवरी 2015 और मैंने कोर्ट में भी केस दाखिल किया हुआ है रोज ज्यादा हर जाती हूँ हर पेशी पे लेकिन वो कह देते हैं रेंजर्स वाले कहते हैं हमने नहीं उठाया हमारे पास नहीं है लेकिन मेरे घर के सामने से लेके गए ये मेरे हस्बैंड इमरान मेहताब क्या करते हैं वो गवर्नमेंट जॉब देंगे बहुत परेशान हूँ मेरी एक बच्ची है ये पूरा रमजान बच्ची इंतजार करती रही कि मेरे पापा आएंगे चांद रात को इतना रोई इसकी तबीयत खराब हो गई हमारा कसूर क्या है सिर्फ ये बताएं हमारा कसूर क्या है सिर्फ इस पार्टी में ये है ये उर्दू बोलने वाले हम क्या पाकिस्तानी नहीं है हमें किस बात की सजा दी जा रही है खुदा के लिए हमें बताएं अगर मेरा शोहर क्रिमिनल भी है तो उसको पेश तो करें इस तरह क्यों छुपा के रखा हुआ है आप लोगों ने आप समझ चाहती हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस करें कोर्ट में पेश कर दे खुदा के लिए बस पेश कर दे खुदा के लिए उसको मेरे शोहर को 16 अप्रैल से उठा के लेके गए हैं रेंजर्स वाले मेरे सामने पर मेरी 3 बच्चियां हैं मैं कहाँ लेके जाऊँ क्योंकि मैं मुसलसल यहाँ पे जितने भी हेड क्वार्टर हैं जी वीडियो का काम करते थे प्राइवेट नोहे और नातों के नंबर बनाते थे जी मैं यहाँ जितने भी हेड क्वार्टर हैं ना मैं सब पे दरख्वास्त देकर आई हूँ यहाँ पर नहीं यहाँ पे नहीं है यूनिवर्सिटी रोड पे रहती हूँ ठीक है
मैंने जितने भी यहाँ हेडक्वार्टर है सब जगह दरखास्त दी है। मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे शोर को सिर्फ दिखाएं, मेरी बच्चियां तीन मैं कहाँ लेके जाऊँ, मैं किससे जाके रह मांगू। मैंने 1101 पे इतने मैसेज किए हैं, मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ जितने भी यहाँ हुक्मरान है, प्लीज प्लीज मेरे शोर को मेरी बच्चियों को दिखा दें। बेटे को मेरे ले गए, 1.5 महीना हो गया घर से सोते से उठा के, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे आपके नजदीक रेंजर्स के ऑपरेशन ठीक नहीं हो रहा या हो रहा है? बहुत हो रहा है, उठा उठा के रातों को 2:30 बजे से घरों से निकाल के ले जा रहे हैं। मेरा बच्चा किसी उसमें नहीं है, बच्चे रो रहे हैं उनके उनके घरों में, तो देखो आकर उनके घर में हो क्या रहा है। जो कराची के दूसरी इलाके वहाँ तो लोग बड़े पुरअमन है, वो कह रहे हैं कि बड़ा अमन। जब उनके घर से कोई उठेगा ना तब उन्हें पता चलेगा कितना पुरअमन है कराची। जैसे आपने ये कहा कि हम सबको ये यकीन है कि हमारे बाप भाई या शौहर बेगुनाह थे या नहीं थे, देखिए इसका बड़ा सबसे सबूत ये है कि आप कभी इनके घरों में जाके देखिए, आप खुद मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आपको नहीं पता कि जहां क्राइम होता है वहां मनी भी होती है। अगर वो लोग क्रिमिनल होते तो यकीनन उनके पास आज पैसा भी होता, और उनकी बेवाएं उनके घर की खवातीन इन हालात में इतने छोटे छोटे बच्चों को कि वो सारे बच्चों को भी नहीं ला सकी कि उनके पास रिक्शे के किराए देने के पैसे नहीं थे। आपको नहीं कह रहा, लेकिन जहां नजरिया होता है वहां क्राइम भी होता है, जरूरी नहीं होता पैसा हो, नहीं मतलब किसी का भी हो, देखिए कहीं कहीं ना कहीं किसी तरह भी तो सबूत भी तो हो। ये आपका आ गया पॉइंट, आप बताना चाहें कराची की सड़कों में वैसे तो अमन नजर आ रहा है, आपको लग रहा है अमन? मुझे तो कहीं भी नहीं लग रहा कि अमन कराची की सड़कों पे नजर आ रहा है। तो पहले मैं आया करता था कटी पहाड़ी में, भी फायरिंग होती थी, यहाँ कराची का तो सुकून ही तबाह कर दिया इन लोगों ने। अच्छा। अमन ही तबाह कर दिया, रात रात को आके छापे मार रहे हैं, ठीक है। महाजिर नाम पे जो है वो सजाएं दी जा रही है, सिर्फ जुर्म ये है कि महाजिर है उर्दू स्पीकिंग है, कौन सा पठान उठा है? मुझे तो किसी ने छापा, नहीं तो हमारे तो मोहल्ले में तंग कर रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए उठाकर कोई है नहीं, सिर्फ उर्दू स्पीकिंग और महाजिर ने, सिर्फ ये हमारा जुर्म है। ऑपरेशन हजूर जारी है, आप सेटिस्फाइड है, पीस तो आया है? इस वक्त जो जुल्म और बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं सिर्फ उर्दू स्पीकिंग वाले बन रहे हैं। हमारी माँ बहनों का तकद्दुस, हमारे घरों का तकद्दुस, हमारा तकद्दुस तमाम पामाल हो चुका है। यकीन कीजिए हम परेशान हो चुके हैं, ये समझते हैं शायद उर्दू कम्युनिटी को ख़त्म कर देंगे। ये मुल्क हमारे आबा अजदाद ने बनाया है, शहादत से बनाया है, हमने अपनी तमाम जायदाद हिंदुस्तान छोड़ के यहाँ आए, और आज अफसोस के हम पे ये आपको लगता नहीं अमन आया है? नहीं सर, क्रिमिनल्स को बाहर निकाल के अमन आया है? अमन जरा भी नहीं आया, हम तो रात को सोते नहीं है यहाँ पर। बाकी की कम्युनिटी तो बड़ी सैटिस्फाइड है, मक्सूद भी खुश है, तो हमारे खिलाफ भी खुश है सर, ये हमारे खिलाफ देखिए ना पूरा कराची खुश है। आज जो हमें सीएम मनाने का प्रोग्राम है कि सिंध गवर्नमेंट का इजलास जो है दुबई में हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कराची में देखे ना रिकॉर्ड बिजनेस हुआ है, ईद की सेल पे रिकॉर्ड बिजनेस हुआ है, बत्ता बंद हो गया। हाँ तो जो बत्ता ले रहे थे वो जा चुके यहाँ से, वो इजलास कर रहे हैं अपने। अच्छा आपको लगता है नहीं, पीस तो आया कराची के अंदर, अब आप सुख की सांस ले सकते हैं, भत्ता नहीं है, टारगेट किलिंग नहीं है? नहीं, सुख की सांस पहले तो चलो दूसरे भत्ता खोरते, अब जो है ये सरकारी जो है ये हमें चैन से रहने दे रहे हैं, हमारे घरों में कूद जाते हैं, हमारे बच्चों को लेके चले जाते हैं, उसके बाद उनकी लाशें मिलती हैं। बिल्कुल हमारे महल्ले के बच्चे गए हैं जिनकी लाशें मिली हैं, अब ये बताएं कि ये कत्ल किसके हिस्से में जाएगा। लेकिन ओवरऑल वैसे कराची में पीस आया या नहीं आया आपके नजदीक? ईमानदारी से भी ऑनेस्ट व्यू देना, वैसे अमन आया लेकिन इन्होंने बदअमनी फैला रखी है। ठीक है जी जनाब, अमन आया कराची में? अमन औसतन मतलब कह सकते हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं है। उर्दू बोलने वालों को मतलब जो ना टारगेट किया जा रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? क्योंकि फौज जो है उसमें उर्दू बोलने वाले भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोची पूरी फौज पूरी रेंजर्स में हर तरह के आप तमाम लोग भी हैं, पंजाबी सब हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको टारगेट कर रहे हैं? समझ में नहीं आती क्या मसला है, क्यों करते हैं ये लोग? अमन आया कराची में आपके खाली? अमन कहाँ से, किस तरह अमन नजर आ रहा है? ताजर तो बड़े खुश है, ताजर तो कह रहे हैं भत्ता खत्म हो गया, कत्ल खत्म हो गया, बिजनेस बढ़ गया। कोई बिजनेस नहीं पड़ा ना कोई ताजर, हम भी कारोबारी कर रहे हैं। आपका नहीं हुआ? नहीं कुछ भी नहीं हुआ सर। जनाब इंसानों को मानने से अमन नहीं आता, ठीक है। महाजिरों को एक टारगेट बना के ऑपरेशन किया जा रहा है जो कि नाजायज है बिल्कुल ना। अच्छा मतलब पीयूष पार्टी ने अभी आसिफ जरदारी ने कितनी खतरनाक तकरीर की मीन ये एजेंसियों के खिलाफ, क्या क्या कुछ नहीं बोला, दुबई जाके बैठ गए। अल्ताफ हुसैन एक जरा सी बात करते हैं उनको भाई तो बड़ा कुछ कह देते हैं, जरदारी साहब ने कुछ भी नहीं कहा। नहीं नहीं ये तो आपकी गलतफहमी है, ये तो मीडिया देखे ना, मीडिया अल्ताफ भाई की जरा सी बात को भी जो है ना इतना बड़ा इशू बना लेता है। मैं तो किसी से भी नहीं, वो राहिल शरीफ साहब के बैज उतारने की बात करते हैं। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, अल्ताफ हुसैन जितनी जो है ना एजेंसियों के 7 साल दौर मुशर्रफ के साथ गुजारा, कितना बेहतरीन गुजारा मतलब है की बात भी। तो ये तो अल्ताफ हुसैन को भी नजरअंदाज कर देना चाहिए ना थोड़ी सी बात, और वो तो माफी भी मांग लेते हैं। जरदारी का माफी मांगी जरदारी ने, इमरान खान ने माफी मांगी? आप जिस अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो बात नहीं कोई आया कि नहीं आया, नहीं आया ना अमन। अच्छा। देखिए अभी भी रोडों पे चीने झपटी हो रही है, बाइकें छीन जाती है, स्नैचिंग हो रही है, रोज आना के जो है 8-10 के मर्डर चल रहे हैं। सिर्फ इन्होंने एक ही टारगेट लिया हुआ उर्दू स्पीकिंग का,
देखें ना आप कितने, आप एक चीज मुझे ये बताएं कि जितने भी एडीसी अदालत के अंदर पेश हुए हैं सिवाय उर्दू स्पीकिंग के अलावा किसी ने ना मीडिया ट्रायल करा किसी का? उर्दू स्पीकिंग या मेजॉरिटी में हो सकता है कुछ रैंक लोग जो है ज्यादा शामिल होंगे आपके ऊपर, उर्दू स्पीकिंग के अंदर ही है। नहीं, मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, कितने तालिबान पकड़े गए? अगर पंजाब में पकड़े जाएंगे तो ये मेरे बताएं तालिबान कितने पकड़े गए, उसका मीडिया ट्रायल हुआ? तालिबान के खिलाफ तो ऑपरेशन जारी है। अच्छा, गैंगवार के कितने लोग पकड़े गए उनका मीडिया ट्रायल हुआ? किसी का मीडिया? अभी आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद कोई एक पीस नहीं आया आपके नजदीक? नहीं, कोई पीस नहीं आया। अभी कुछ दिनों के बाद एक और जो है महाजरों के खिलाफ जो है ना एक और प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे कि फला जगह पे ये हो गया, अब कुछ किसी एक किसी कारकुन को पकड़ के जो है किसी के ऊपर भी केस डाल के कह देंगे ये बड़े लीडर का कत्ल इसने किया। ये तो ये चला ही रहे ना ये तो उर्दू स्पीकिंग सर। ये आप ये बताएं कि हमारी इमिग्रेशन कानून क्या कहता है, अगर हम किसी घर के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि इसने ये जुर्म किया है, ये ना क्रिमिनल है। अगर वो क्रिमिनल है तो उसका सर्च होना चाहिए। लेकिन ये जो 90 के खिलाफ से काफी क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, उबैद वगैरह, केटू वगैरह, पहाड़ी वगैरह, ये भाई आप उनका सबूत पेश करो ना, क्रिमिनल नहीं है ये, क्रिमिनल नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है। ये उर्दू स्पीकिंग जो हमारे भाई हैं पाकिस्तान के, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था ऑब्वियसली, उनकी ये राय, उनको लगता है कि ऑपरेशन जो है उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, इनकी ये राय है। लेकिन पूरा कराची जो है उसकी भी राय लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ से हम जरूर जाएंगे आगे। पाकिस्तान की डिफरेंट कम्युनिटीज़, ताजर हैं, पख्तून हैं और दूसरे लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई कराची के अंदर रेंजर्स का ये ऑपरेशन जो जारी है ये अमन लाया या अमन नहीं ला सका। यहाँ के लोग अलबत्ता सेटिस्फाइड नहीं है इस ऑपरेशन से और उनकी रिजर्वेशन हैं जो हमने आपको रिपोर्ट कर दी। आपका हमारे साथ रहेगा इसी प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। ये जगह जो है ये मोर्चा है, हमें बताया गया कि यहाँ से इनके घरों को, घर वालों को निकाल के जो मुखालफिन है, मुखालिफ ग्रुप है, वो यहाँ बैठ के यहाँ से फायरिंग करता है। ये शैल भी मिला है, अगर किसी टांग में लग जाए तो सारी जिंदगी के लिए इंसान जो है वो अपाहिज हो जाता है। यहाँ से फायरिंग की जाती है, कभी उस साइड पे कभी इस साइड पे। ये बेसिकली घर का बरामदा नहीं है, ये घर का बरामदा हुआ करता था, अब ये मोर्चा बन चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह बेसिकली, क्योंकि घर यहाँ पे कनेक्टेड है आपस में, किस तरह मुखालफिन जो टारगेट किलर्स हैं एक दूसरे के घरों में किस तरह आते हैं दीवारें तोड़ के। ये मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये वो घर है जहाँ के लोग बेसिकली गैंग वॉर की वजह से भाग चुके हैं, यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। ये पहले दीवार हुआ करती थी आज से कुछ घंटे पहले तक, लेकिन जब ये मोर्चा बना तो कुछ देर पहले, अब तो गैंगस्टर चले गए इधर से हमारे आने से कुछ देर पहले, लेकिन जब ये मोर्चा बना तो ये दीवार को तोड़ा गया। ये लियारी के आपको बीच में लेके जा रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ आपके लिए, बड़ी डेंजरस जगह है, यहाँ पर फायरिंग हो रही है और फायरिंग आपस के ग्रुप्स के बीच में हो रही है। हम आपको सिर्फ रिपोर्टिंग की खातिर दिखाने के लिए आए। ये देखें, ये दूसरी दीवार टाप काप के तोड़ के ये अंदर घुस के दूसरों के घरों में कब्जा किया है, मुखालिफ कम्युनिटीज़, मुखालिफ गैंग वॉर्स के लोगों ने। यहाँ आपको बंदा नजर नहीं आएगा, ये आंटी भी नजर आ रही हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लोग तो चले गए यहाँ से, खामोशी है, एक वराना, एक सकूत तारी है इस जगह पे। जी आप तो वाहिद भी यहाँ नजर आ रही, लोग तो यहाँ चले गए यहाँ से, बस वो सब चले गए हैं, लेकिन क्या करें, मेरा कोई है नहीं, दूर दराज बैठे हुए हैं। तो आप छुप के बैठी हुई हैं इधर? लेकिन मैं अपने भाइयों के छुप के बैठी हुई हूँ, मैं अपने घर से नहीं जा सकती। इस जगह पे तो कोई भी नहीं रह रहा, लोग नकल मकानी कर चुके हैं। ये आप देखा, ये हम आपको दिखा सकते हैं फायरिंग के निशान, अगर आप नीचे भी दिखाएं आपको, पूरी स्ट्रीट की स्ट्रीट जो है और यहाँ पे वीराना है, कोई बंदा ना बंदे की जात, कारोबार बंद, घर मोर्चे बन चुके हैं गैंग वॉर्स के, और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी यहाँ मौजूद ही नहीं है। आलम मार्केट कराची से आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जब भी मैं आया और जब भी रिपोर्ट किया तो ताजरों की दुआएं सुनी मैंने, कोई भत्ते का शिकार है, कोई कम आमदनी का शिकार है, किसी को जो है वो जान के लाले पड़े हुए, कोई रैनसम का उम्मीदवार हुआ है। आज जब रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है पिछले कई महीने से, जानने की कोशिश करते हैं कि अमन आया है ताजरों की दुकानों तक, ताजरों के कारोबार तक या नहीं आया। रेंजर्स के जो ऑपरेशन जो जारी है, आपके ख्याल में ये कामयाब हुआ है अमन लाने में या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत फर्क आया, बहुत इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है, बहुत फर्क आया बिल्कुल अमन है हर चीज का, हमारे को सुकून भी बहुत है। आप ताजिर हैं इधर? हाँ इधर ताजिर आलम मार्केट का। अच्छा ठीक है, तो यानी कि भत्ते वगैरह का मसला तो नहीं है? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई चीज नहीं। किसको क्रेडिट देंगे, पुलिस को या रेंजर्स को? रेंजर्स को, पुलिस को, दोनों को देंगे, दोनों तकड़ा है, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तक। और रेंजर्स का रोल कैसा रहा है? बहुत फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फर्स्ट क्लास। रॉयल शेफ से हम बहुत शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने जो है कराची में अमन लाया और उनके बड़े मकसूर है। ये भत्ता वगैरह की पर्ची तो नहीं थी ताजरों को? नहीं अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ वैसा। तो कारोबार जो है फैल भर रहा है आपका या कम? अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ऊपर आ रहा है कारोबार। रेंजर्स को आप चाहते रहे या ना रहे?
चाहते रहे इंशाल्लाह, अभी भी आगे भी चाहेंगे इंशाल्लाह। सुना कराची में ईद का रिकॉर्ड टूट गया माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाम, बड़ी खुशी से निकली है बाहर और सब के सब माशाल्लाह खुश हैं रेंजर्स के होते हुए, और पुलिस भी माशाल्लाह बहुत अच्छा टाउन कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बाजारों में पीस है या नहीं? बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है, बहुत सुकून हो गया है कराची के अंदर, किलिंग में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है, ये कि ना मोबाइल छीन रहे हैं और बहुत अच्छे हालात इस टाइम के ऊपर। ताजरों को जो भत्ते की पर्चियां मिलती थी कम हुई है खत्म? नहीं, अब तो तकरीबन एंड चल रहा है, बिल्कुल नामुमकिन हाल हो गया, नहीं तो पहले बहुत बुरा हाल था, कोई पुरसानी हाल नहीं था। अभी कराची में नजर आ रहा है कि काम हो रहा है, 25 साल से रेंजर्स बैठी हुई थी लेकिन महसूस हो रहा है कि 2 साल से वो हरकत में आई है। अच्छा, 23 साल से लगता था कि साहिड़ सी बात है, राय श्री साहब के अलावा नवाज शरीफ साहब का उसमें किरदार बहुत कम है, राय श्री साहब का किरदार है इसके अंदर। अच्छा, आपको लगता है था? हाँ। और डीजी रेंजर्स अवाम डीजी रेंजर्स पे पाकिस्तान की एक दो पॉलिटिकल पार्टीज पीपल्स पार्टी एमक्यूएम तनकीद भी करती है, तो आपके ख्याल में तनकीद जायज है ना जायज? हम तो सियासी लोग नहीं है ना, हम तो ताजिर लोग हैं, हम तो सिर्फ सुकून मांगते हैं। सही है। हम किसी भी सुकून मिल गया आपको इस ऑपरेशन से? बहुत बड़ा सुकून है कराची के अंदर इस वक्त, बहुत ज्यादा सुकून है। नहीं तो पहले तो ये हाल था कि बस खुलेआम भत्ता डकैतियां चोरियां। लोड शेडिंग की क्या पोजीशन है? लोड शेडिंग तो इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, के इलेक्ट्रिक जो है बहुत तंगी का निशान है, लोड शेडिंग तो बहुत ज्यादा, असरत कैसे नहीं होता, सब अंधेरा है अंदर मार्केटों का, अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है, बहुत फर्क पड़ा है, बहुत गर्मी में ये रमजान में हमको बहुत तकलीफ, पानी का भी बहुत बड़ा मसला है, घंटे घंटे 3 दफा जाती है लाइट, समझे? अच्छा, इसकी वजह से बहुत ठप हो गया। पार्टी हुकूमत क्या कर रही है आप लोगों के लिए? जो कुछ भी नहीं, बेकार है, बेकार है, कड़िया कर रहा है और जो है ना पानी बेचते हैं बस, डॉलर बना देता है, टंकर बेचते हैं 5,000 का बस। सिंध में किसी ने हुकूमत की नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने। अच्छा। और जो हमको खराबा दिया है वो पीपल्स पार्टी ने दिया है। अच्छा। पीपल्स पार्टी को इनको खुद को पूछो, मिनिस्ट्री से लेके वजीर आला तक कि आपने सिंध को क्या दिया? वोट तो मिलता है ना यहाँ से, सिंध से कहाँ मिलता है? सिंध में तो मिलता है, सिंध उसका है ना, इंटीरियर सिंध उसका है ना, कराची में कहाँ से वोट मिलता है? कराची सिंध में तो मिलता है। कितनी सीटें हैं कराची? मेजोरिटी है उनकी, आप इंटीरियर सिंध में उनको मेजोरिटी मांगोगे ना, शहर में पल बगैर की औरतें पानी भरती है। आइन में कोई तरमीम करो, रेंजर्स को इख्तियार दे के यहाँ बैठाओ हमारे साथ, पूरा मुल्क ही दे दे रेंजर्स को, सबसे अच्छा। हाँ जी, पूरा दे दो, हमारा सिंध तो दे दो पहले, कराची आप जब इनको थोड़ा सा आपने इख्तियार दिया है और हमें यहाँ अमन हो गया है, तो एक आदमी को आप पूरा इख्तियार दे दोगे तो क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगाओ। सियासी जो भी कराची तंजीम है ना, उन सब का सफाया इस तरह होना चाहिए, क्रिमिनल खत्म होना चाहिए। सियासत करने का सबको हक है, पूरे पाकिस्तान में सियासत लोग कर रहे हैं, लेकिन जो गंदे लोग हैं हर पार्टी से निकाल देने चाहिए। पीपल्स पार्टी हुकूमत क्या कर रही है हुजूर? इधर कुछ भी नहीं कर रही, आपके सामने है, दुबई में बैठ के इजलास कर रही है बस। अच्छा। आपके सामने ही हो रहा है और क्या कर रही है ना, बिल्कुल मुल्क का पैसा खराब कर करके उधर बुला बुला के काम करिए जा रहे हैं, आप खुद देखें ना क्या हो रहा है। हम लोग रेंजर्स अमन ले आई है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अमन है रेंजर से, जब से होल्ड संभाला है कराची के अंदर काफी से ज्यादा अमन आ चुका है। लेकिन मतलब पीपल्स पार्टी कहती है इन लोगों ने कुछ नहीं किया, क्या किया सिवाय लड़ाई झगड़ा, इन लोगों ने आके इस चीज को खत्म किया, भत्ते को खत्म किया, मोबाइल छीनने बंद हुए, रस्ते में जो गड़बड़े होती थी वो खत्म हुई। तो आप खुश हैं? हम इस बात से खुश हैं कि रेंजर कराची का ताजर चाहता है रेंजर रहे, अभी बिल्कुल रेंजर इधर रहनी चाहिए, हमारा फौज भी आ जाए, फौज भी आ जाए, बिल्कुल पूरा कराची के हवाले कर दो। असद जरदारी का और नवाज शरीफ का मिली भगत है, एक भाई जाते है दूसरा भाई आते है, समझे ना, ये कुछ भी नहीं होने का, ना पानी आने का है ना गैस आने का, हर चीज में जो रुपये का चीज है वो 5 रुपये का हो रहा है दिन बे दिन, और गरीब के लिए तो कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, रेंजर्स ने अमन लाया है बिल्कुल, ठीक है, मैं लयारी में रहता हूँ मुला मदद में, अमन तो है, अच्छा है, ठीक है, गोलियां नहीं चल रही, लेकिन हम लोग घरों में नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? रात को रेंजर्स आई मेरे भांजे को ले गई, हालांकि काम धंधे वाला मैं स्टेट बैंक में वेटिंग करता हूँ, भांजा सही काम जी, हाँ बिल्कुल काम कर रहा है, और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। हम लोग घरों में नहीं बैठेंगे तो फिर कहाँ बैठेंगे? बाहर भी बैठते हैं तो नहीं, आपका भांजा गलत काम तो नहीं कर रहा था? नहीं नहीं, गलत काम, जब मैं गलत नहीं काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने भांजे को गवाही दे सकता हूँ। देखो गुनाहगार बंदा कोई भी उसको, ऑपरेशन बिल्कुल सही हो रहा है, होना चाहिए, जारी रहना चाहिए। मसला सिर्फ पानी का है, पानी और बिजली नहीं है, ढाई ढाई घंटे 3-3 घंटे बिजली जाती है। अच्छा। बाकी तो इलेक्ट्रिक जो नाकाम हो गई इधर? जी जी नाकाम हो गई। क्या किया जाएगा इलेक्ट्रिक के साथ? बिल्कुल नाकाम हो गई, ये किसी काम की नहीं है। पैसे दो, बिल इतने भेज देंगे, बिल को देखो इतने भेज देंगे, अरे लोड सेटिंग तो 12 घंटे लोड सेटिंग है तो बिल क्या भेज देंगे? ये इलेक्ट्रिक को ये चाहिए कि इसको फुल फॉर खत्म करके इसको रेंजर्स के हवाले किया जाए, ताकि इलेक्ट्रिक को, ताकि आम आदमी सुकून से गुजरे, कोई इनसे पूछने वाला नहीं, 3-3 घंटे 9-9 घंटे लोड शेडिंग करते हैं क्यों? हम चाहते हैं कि रेंजर्स यहाँ रहे, रेंजर्स ने यहाँ अमन लाया। अच्छा। लेकिन हमारे जो सियासतदान है, जो बड़े आप भी जानते हो, सभी जानते हैं, उनको चाहिए भत्ता
भत्ता बंद हो गया, उन लोगों ने पानी बंद कर दिया। एक गरीब आदमी, मैं एक मजदूरी करता हूँ, मैं एक गरीब बंदा हूँ, मैं 3000 रुपए का महीने का पानी खरीदता हूँ, साल का 36000 हो गया, मैं 3000 भत्ता नहीं देता, मैं 36000 इनको भर रहा हूँ। तो आप इस चीज में नोट करें, ये पानी एक गरीब बंदा भी कम से कम साल का 36000 का पानी मतलब इनसे खरीद रहा है। जो तो पहले निशा साहब क्या करते हैं यार, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कायम सोते ही रहते कैम निशा साहब। जब भी देखो एक इदारा है जो फौज है, जो अरेंजर अपना इदारा काम सही तरीके से कर रही है, हम उस पर मुतमैन भी हैं। हम लोग जो है ना अभी बहुत सुकून से हैं। हमारा ये रमजान जो गुजरा है, उससे पहले थोड़ा अर्थात जो गुजरा है, जब से रेंजर आई है ना, हम लोग कराची वाले बहुत सुकून से हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमको ये सुकून ऐसा ही चाहिए, भले जैसे भी हो, जो भी है, फौज है, रेंजर है, हमको रेंजर इधर ही रहनी चाहिए। व्यूअर्स, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कड़ी पहाड़ी, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे बेतहाशा दफा हमने रिपोर्टिंग की, और कड़ी पहाड़ी मशहूर है ऑब्वियसली गोलियों की वजह से और मर्डर्स की वजह से, और यहाँ पे जो वायलेंस हुआ है कम्युनिटी बेस्ड उस वजह से। लेकिन आज कराची रेंजर्स ऑपरेशन को हम इवेल्युएट कर लें, जब कराची के तमाम अहम इलाकों में हर दफे कड़ी पहाड़ी में लोग राय लेते हैं। हाँ भाई, नहीं अभी तो अमन है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह से सब सही हो गया है। रेंजर्स आना चाहिए, रेंजर्स और ऐसे अमन होना चाहिए जैसा चल रहा है अभी। रेंजर ऑपरेशन हाँ, सही है आपके ख्याल में? बहुत सही है, बहुत बेहतर है, ऐसे ही होना चाहिए। कराची के हालात इस वक्त रेंजर्स ऑपरेशन इसके लिए बहुत जरूरी है। तो आपके हाल में अमन आया, कोई भत्ता शत्ता कम हुआ है, कोई किलिंग बहुत कम हुआ है, तमाम चीजें कम हुई है मेरे दोस्त। कारोबार हुआ है वो तो किस्मत के ऊपर है, कारोबार होना नहीं होना वो तो नसीब से मिलना है, लेकिन इसके अलावा जो इस वक्त पोजीशन चल रही है कारोबार की, काम की, अमन की, रात को देर से आने तक टाइम से आ रहा है बंदा, टाइम से निकल रहा है, घर से जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी नसीब की रोजी है, किसी को मिलना है किसी को नहीं मिलना। हाल में ये अमन जो है यहाँ पुलिस लेके आई है, रेंजर्स लेके आई है? ये रेंजर्स लेकर आई है, पुलिस वुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है, ना पुलिस ने अमन लेकर आई है। तो स्पीकिंग को पसंद नहीं है तो वो नहीं है, बाकी ये था कि तरतीब वायर होना था, ऑपरेशन हो गया सबका। अभी जिसको पसंद नहीं है जाहिर है उसको कहानी खराब है। फिर आपको इतना क्यों पसंद है? हमको इसलिए पसंद है कि अमन आ गया, अभी पसंद है इसलिए ऐसे ही होना चाहिए। अब और बेहतर हो गए हालात माशाल्लाह। तो आपके हाल में ये क्रेडिट किसको जाता है, पुलिस को या रेंजर्स को? ये मेरा ख्याल है कि फौज को जाता है, फौज जाता है, क्योंकि ये फौज की वजह से ये सब सीधे हुए हैं। और आपके ख्याल में भी रेंजर्स को चले जाना चाहिए जिस तरह मुझे कोई मूवमेंट भी कह रही है, या रहना चाहिए? नहीं नहीं, रेंजर्स को तो रहना चाहिए। रेंजर्स क्या कर रही है, तकलीफ कारी कर रही है क्या? रेंजर्स क्या कर रही है वो तो आप बताए ना, आप रहते हैं, बुराई का खात्मा कर रही है रेंजर्स या बुराई फैला रही है, मुझे आप ये बताइए। लेकिन मुथदा के लोगों का वो कहते हैं जी हमें, हमारे बंदों को टारगेट किया जा रहा है ऑपरेशन में। अगर मेरे घर में मेरे बेटे खराब हैं, मेरे बेटे खराब हैं, और कोई पुलिस आके उनको पकड़ती है, और मैं एहतजाज के लिए बाहर खड़ा हो जाऊं कि मेरे ही बेटों को क्यों पकड़ा जा रहा है? अच्छा। मकसद मुझे चाहिए ना कि मैं अपने बेटों को ठीक करूं, मैं अपने घर को ठीक करूं। मेरा घर ठीक होगा तो मेरे घर पे कौन छापा मारेगा? गवर्नमेंट कोई भी रहे, रेंजर्स को रहना चाहिए सर। पीपल्स पार्टी हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस है? तो आपके सामने ही किसी काम की नहीं है पीपल्स पार्टी की हुकूमत। बिलावल भुट्टो से कोई होप है आपको? क्या होप है, ये तो क्यादत तो इन्हीं की एक ही ना, बिलावल आया सरदारी है। रेंजर्स का ऑपरेशन कामयाब हुआ आपके नजदीक? बहुत बेहतरीन कर रही है रेंजर्स, जो भी कर रही है। रेंजर्स को कराची में रहना चाहिए। अच्छा, रेंजर्स को कराची में, पाक रेंजर जिंदाबाद सर। अच्छा जी, आपको क्या मौका? रेंजर को रहना चाहिए भाई, जरूरी है रेंजर का रहना कराची में, जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? अमन लाया भाई, जब से रेंजर आया माशाल्लाह हर आदमी जो है ना सुकून का सांस ले रहे। ये रेंजर्स का जो ऑपरेशन हुआ आपके ख्याल में, आप लोगों के अमन आया या अमन नहीं आया? बहुत अमन आया। अच्छा, सुकून से ये लोग सब देखो, अभी रात को 2 बजे आओ 3 बजे आओ कोई मसला नहीं है। अच्छा, बहुत अमन हो गया। भत्ता शत्ता टारगेट किलिंग खत्म है ऐसे हद तक तो क्या मुझे ज्यादा नहीं है। हुकूमत का क्या रोल रहा है, रेंजर्स का क्या रोल रहा है? रेंजर्स का अच्छा है, हुकूमत का कोई अच्छा नहीं। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है, वो भी ये रेंजर्स को जो इख्तियार दिए गए हैं बिना पे। पहले जैसे
घर से निकलने में डर होता था, अभी वो डर नहीं रहा है। अल्लाह का शुक्र है अभी लियारी के हालात बहुत काफी हद तक ठीक हो गए हैं। इसको ऑपरेशन जारी रहना चाहिए, जब तक ये जारी रहेगा तब तक हम लोग सुकून में रहेंगे, इसके अलावा हम लोग सुकून में नहीं रह सकेंगे। एक वक्त होता था लियारी में हम लोग 8 बजे के बाद घर में चले जाते रात 8 बजे तक, लेकिन आज का एक ऐसा वक्त हो गया अगर हम लोग रात के 3 बजे यहाँ पर बैठ कर अपने असाइनमेंट कम्प्लीट करें हमें कोई टच करने वाला नहीं है। सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है, बहुत से लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं लेकिन एक कम्युनिटी है, एक दो कम्युनिटी जो अप्रिशिएट नहीं करती, आपके नज़दीक रेंजर्स सही काम करे गलत काम करे? तो मैं आपको बिल्कुल सही और क्लियर कट बात करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि लियारी में 50% तो हो गया, बाकी 50% रह गया जो छोटे छोटे हैं 9-10 ग्रेड के हैं वो मारे गए या पकड़े गए, जो बड़े बड़े 17-18 ग्रेड के जो खेले वो तो निकल गए, सिर्फ और सिर्फ जुर्म खत्म हो गया, मुजरिम अभी हैं। अगर आज ये खत्म हो जाएगा कल वो फिर आएंगे। ये बात सही है कि कर्नल सोहेल साहब ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा काम किया, मगर अभी बड़े बड़े हैं। आपके हाल में रेंजर्स को भी रहना चाहिए या नहीं? हाँ रेंजर्स को तो रहना चाहिए, रेंजर्स के बगैर तो बहुत मुश्किल हो गया। किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये सब हम क्रेडिट देंगे रेंजर्स को, ये सब किया है रेंजर्स ने किया है। काविश है रायल शरीफ की है जिंदाबाद। कम आ रहे हैं चैनल्स पे तो उससे परसेप्शन जारी है कि शायद आपके अंडरग्राउंड हो गए कि गायब हो गए। वैसे मैं हैरान रह गया आपको देख के, हालांकि मैंने आपको नहीं बताया था मैं आप इधर आ रहा हूँ और आप यहीं पे मिल गए रास्ते में। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आई एम वेरी मच एक्टिव और बल्कि मेरा तो गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से क़याम ही यहाँ पर है। डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ लाइफ में ओवरवेलमिंगली ताजरों ने या दूसरे लोगों ने लियारी वगैरह में लोगों ने कहा जी अमन इधर आया है, आपका अपना आप भी कराची के रेजिडेंट है, आप MQM का कंसर्न भी है रेंजर्स के ऑपरेशन के ऊपर, जायज़ या नाजायज़? पहले तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ कराची बता दीजिए कि आपको लगता है कि पहले से हालात बेहतर हुए इस ऑपरेशन या नहीं हुए या उस तरह ही हैं? कुछ चीज़ें कदरी बेहतरी की तरफ गई हैं मगर ऐसा दिखाई देता है कि शायद वो टेम्पररी हैं, क्योंकि रेंजर्स जो है वो जाहिर है कि एक परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं, वो पुलिस तो नहीं है कि वो हमेशा मुस्तकिल मौजूद रहेगी, तो सिचुएशन में देखना यह है कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या डेवलप होगा। मिली जुली सूरत हाल है, जैसे मैंने आपको बताया कि कराची साउथ में जो लियारी की सिचुएशन थी या कराची साउथ में जो ताजर बिरादरी इत्मीनान का इजहार करती है, बाकी जो सूरत हाल है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनके बारे में बात की जानी चाहिए और ख़ासतौर पर जो MQM का परस्पेक्टिव है उसमें जो MQM के साथ जो सिचुएशन है, बहरहाल उसको भी ज़ेर बहस। MQM की शिकायत हैं और MQM की मुश्किलात हैं और उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इस ऑपरेशन को, सितंबर 2013 में ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। अच्छा इसमें हज़ारों की तादाद में MQM के कारकुनान की गिरफ्तारियां हैं, 90 पर रेड्स हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन हैं और MQM के ऊपर चार्ज है मिलिटेंसी का कि जी MQM एक खुदा ना खास्ता एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो क्या कोई ज़रा सा भी ऐसा हुआ कि अल्लाह ना करे कि रेंजर्स को ड्यूरिंग रेड्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस किसी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है, हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग MQM कोई फरिश्तों की जमातें नहीं हैं। क्रिमिनल एलिमेंट कहीं भी हो सकता है, क्रिमिनल एलिमेंट को पकड़ा जाना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। आपके घर ये इत्तला आई थी कि रेंजर्स रेड मारी है, तो आप रेंजर्स को मतलूब हैं, इज इट ट्रू? कामरान बड़े वाजे तौर पर बताना चाहता हूं कि जो मीडिया पे खबरें चली थी कि वो मेरे और डॉक्टर फारूक सत्तार भाई दोनों के घर पे रेड हुई है, जबकि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, ना मेरे घर पे रेड हुई ना डॉक्टर फारूक सत्तार के घर पे रेड हुई, ये खबर मीडिया पे चली। मीडिया की कुछ गाड़ियां जरूर आई थी मेरे घर पे मगर रेंजर्स बिल्कुल भी नहीं आई, कोई रेड नहीं हुआ। तो आप रेंजर्स के लिए वांटेड नहीं है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि जो सूरत हाल है उसमें अभी तक मुझे कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं है। पिछले 5-6 साल से जो कराची को हमने रिपोर्ट किया उसमें गोलियां थी, लाशें थी, भत्ता बोरी बंद, लिसानी फसादात, ये सब कुछ हमने यहाँ देखा, यहाँ से रिपोर्ट किया फ्रंट लाइन से इन तमाम फसादात के। लेकिन आज का प्रोग्राम आपने खुद भी देखा, अमूमी तौर पे जो एनालिसिस किया जा सकता है कि कराची में बहुत हद तक अमन आया है, कराची में बहुत हद तक भत्ता ख़त्म हुआ है, कराची में बहुत हद तक ताजर जो है वो खुशी का सांस ले सकते हैं, कारोबार हो रहा है कराची में, बिज़नेस के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं,
हम उम्मीद रखते हैं कि कराची के अमन का ये सफ़र जारी रहेगा। हुकूमतों को ये देखना है, ख्वा वो सूबाई हो जो वफाकी हो, कि इसको इंश्योर करना परमानेंट लेवल पर किस तरह होगा। हमने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपको ग्रीवियंसेज भी सुनाई कुछ लोगों की, उसको भी एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। तमाम लोग पाकिस्तानी हैं, ख्वा वो उर्दू स्पीकिंग हो, पख्तून हो, बलोची हो, सिंध के हों, कराची के हों, पंजाब के हों, केपीकी के हों, बलोचिस्तान के हों, कश्मीर के हों, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी फ़ौज है, ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मिलके पाकिस्तान को, कराची को आगे लेके जाना है, और यहाँ से मैं कराची को देख रहा हूँ, एक बड़ी अच्छी होप है, एक बड़ा अमन की एक बड़ी नवीद है, और उम्मीद करते हैं कि जब भी कराची आएंगे इसी अमन को रिपोर्ट करेंगे, ना कि वायलेंस को, ना कि खून को, ना कि लाशों को, जैसा कि हम माजी में करते रहे हैं। मुझे कामरान शाहिद को पूरी टीम के साथ कराची से, पुरअमन कराची से इजाज़त दीजिए।